हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल्डर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, खाने में क्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है, अब दिखना स्टार्ट हो गया। हम लोग मूरी बोल रहे हैं गाइस, जिनका वेलकम स्टार्ट किया था इन्होंने, वो मैं लगाऊंगी, आप लोग भी देख लीजिए। आदित्य की पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या चलेगा। अभी चूड़ी भून लेते हैं। हमारी बहन जैसी सब्सक्राइबर एक आई थी, तो उन्होंने मेरे लिए ठाकुर जी, तो लड़की पापा तो पूरा वीकेंड को एंजॉय किए हैं। वीकेंड ड्राइव किए हैं, वीकेंड में हम आराम से काम किए घर का। क्या काम किए हैं घर का? मूवी देखे हैं, कार धुले हैं। गाइस ये एक भी काम करते नहीं, इनको खुद में बहुत गुस्सा आता है, तो ये पहले अभी वो कर लिए हैं, कार धुल चुके हैं सुबह का। और मैं ना बिंदी लगा रही हूँ, तो आद्या बिंदी नोच ले रही है, तो मैंने वो सिंदूर वाले का ही लगा लिया है। तो बस अभी चलते हैं, चूड़ी को फ्राई करते हैं। पहली बार मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत पसंद आता है। रोटी है, चूड़ी बोलते हैं उसको, इसका कॉम्बिनेशन आ गया। हमारा सैटरडे, हमारे संडे का स्नैक्स है, बहुत हेवी है, बहुत हेल्दी भी है। हेलो एवरीवन, तो व्लॉग आगे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ मेरी आद्या जी एकदम रेडी हो चुकी हैं और मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। बैंगलोर हो रहा है, हम लोग मॉल जा रहे हैं। बोल दो, अपने मॉल पे रेलगाड़ी पे बैठ नहीं है। रेलगाड़ी पे नहीं जा रहे हम लोग, मॉल जा रहे हैं घूमने। क्या बैठोगे? शॉपिंग करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जाके देखते हैं वहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पहले तो एक वाइट जीन्स खरीदना है, जीन्स भी नहीं, थोड़ा सा लूज टाइप वाला ट्राउजर, तो देखते हैं वो मिल जाएगा कि नहीं। और टी शर्ट्स बस लेंगे और आएंगे इधर नहीं है, उधर नहीं है, डबल साइड टेप निकाल दो, 2 मिनट्स। कार को तुम क्लीन कर दिए, पेप्सी कौन दापता है भाई। सो गाइस, मैं कार चलाने से पहले थोड़ा सा क्लीनिंग में, अंदर से क्लीन ही है क्योंकि ज्यादा हम लोग बैठे ही नहीं है, अंदर से क्लीन नहीं। आप बस ओपन छोड़ दिए थे कवर, तो थोड़ा गंदा हो गया था। अभी भी पता है ये थोड़ा सा डस्ट इस पे चिपक गया है, गीले पे कवर उड़ा है ना, वरना हमेशा नया जैसा दिखता है। फाइनली हमारी कार लग गई है, जहाँ लगी है वो भी नेक्सॉन ही है। मेरा डोर और मेरे को आज एक शूज भी लेना है, एकदम अच्छे से पार्किंग हम लोगों ने कर लिया है। बस अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आ जाओ प्राचित, बाय बाय। यहाँ अच्छा खासा ऑप्शन है लगाने का कार। सो गाइस, यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए थे ओरियन मॉल, जो कि मेरे घर के पास में ही है। पता नहीं ओरियंट नाम है या ओरियन ही नाम है शायद, मैंने जहाँ तक ध्यान दिया, मुझे पता नहीं था। लड्डू के पापा व्लॉग्स बना रहे हैं और ये जो मेरा जीन्स टॉप है ना, ये सब शादी के पहले का है। तो खुशी की बात ये थी कि एक्चुअली खुशी की बात क्या थी, मैंने बीच में ट्राई नहीं किया था, लेकिन अच्छा ये लगा कि मतलब आ गया मेरे में फिटिंग। और पता नहीं, मैं जिम जाने ही वाली थी तब तक सब लोग कमेंट करने दिया पतली लग रही हो। हालांकि ये जीन्स थोड़ा लूज भी, एकदम टाइट सा भी नहीं है, और टॉप भी ठीक ठीक है, एकदम टाइट भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इस लुक को, मुझे नहीं पता था कि इतना। वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ऐसे कम्फर्टेबल, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार आप मतलब जब देखते हो वीडियोज़ बनाना ही होता है, तो साड़ी वगैरह में लोग ज़्यादा मतलब देखना प्रेफर करते हैं। तो मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मैं अपने आप को क्यों मतलब इतना चेंज करूं। हालांकि मैंने बहुत चेंज कर लिया है, लेकिन कुछ अपनी ही चीज़ें भी होती है ना, मुझे जो चीज़ पसंद है वो तो मैं पहनूँ ना। मतलब छोड़ दिया था इतने टाइम से, यहाँ मॉल में आया ना तो मुकाला मुकाबला वाले सॉन्ग पे सब डांस कर रहे थे कि इवेंट था यहाँ पे। एक्चुअली पोंगल नहीं, ओनम होने की पहले ही प्रिपरेशन चल रहा था, तो यहाँ पे सब लोग मॉल में, बाकी जो लोग एंट्री भी किए थे वो लोग भी डांस करने लगे, और इनकी टीम से जो थे वो लोग भी डांस किए।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा म्यूज़िक वगैरह हो रहा था, सब लोग का देख सकते हैं कि कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता था हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे कि सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। साथ ही आद्या और प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा, आद्या एंड प्राचित भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे। लेकिन गाइज अब पता है, अब कोई भी प्राचित का नाम सुनता है ना कि प्राचित है, तो मेरे को ये 3-4 लोगों ने बोला कि इसका नाम बहुत अच्छा है। हालांकि वो हम दोनों के नेम की मीनिंग से है, और मतलब प्राचित आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आद्या भी बहुत खुश थी, जैसे सबको देखी ना डांस कर रही है वो, तो ये भी पूरा खुश हो गई। बाकी मैंने इयररिंग नहीं पहना, आधे टाइम तो मुझे याद ही नहीं रहता, जैसे कि मैं अभी भी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि अगर मैं आर्टिफिशियल थोड़े देर के लिए भी पहनती हूँ ना, मेरा कान थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। थोड़े देर के लिए नहीं, मतलब अगर हैवी थोड़े ज़्यादा देर के लिए पहन लूँ ना तो ख़राब सा होने लगता, पकने जैसा। अभी फ़िलहाल क्या होता, गोल्ड पहना था मैंने कुछ टाइम पहले, और उसके पीछे मैंने वो पेच जो है ना वो नॉर्मल वाला लगा दिया था, जिस वजह से मेरा ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, और प्लस हैंगिंग का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और क्योंकि मैं पर्सनली इतने लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वीडियो शूट करना होता है तो पहनती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाए और कान ज़्यादा लंबे भी ना हो जाए, तो इसलिए मैं मतलब नहीं पहनी थी। यहाँ पे हम लोग लड्डू के लिए बर्गर ऑर्डर किए थे, और हमें डिनर कहीं और बाहर करना था, तो यहाँ फिलहाल लड्डू के लिए ऑर्डर कर लिया था। आइटम देखते हैं, बिरयानी या फिर कुछ वैसा खाएंगे, तो वहाँ पे लड्डू नहीं खा पाएंगे, इसलिए पहले लड्डू को ही खिला दे रहे हैं, और साथ साथ में आद्या भी देख रही हैं, आद्या जी को भी खिला देते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे फनी, ऑनियन भी खाया जाता है, आप खा क्यों लेते हो? ये ग्रेवी टाइप वाला लग रहा है, पता है? खाओगे? टेस्ट कर लो इसके अंदर क्या मसाला है। आद्या, आद्या तो ऐसी बहुत ही अच्छा सा कुछ बनाया गया है, फ्लावर से इतना अच्छा डेकोरेट कर दिया गया। यहाँ मैक्स में आ चुके हैं, थोड़ी देर में बैठाते हैं, एक्शन में जाएंगे हम और ट्राउजर्स देखेंगे। एक्चुअली में इस टॉप पे भी प्यारा लगेगा, है ना? अरे पापा, अच्छा इसका फैब्रिक उतना पतला नहीं है, ठीक है ये वाला, ठीक है। तो गाइस मुझे ये पसंद आया है, तो ये वाला हम एक लेंगे, बाकी इसका प्राइस तो देखे ही नहीं है, बट जो भी है 1300 है, तो ये एक लेंगे क्या? लड्डू कहाँ हो? लड्डू कहाँ हो? लड्डू कहाँ हो? लड्डू कहाँ हो? लड्डू तो दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ हो भाई, कहाँ हो लड्डू? लड्डू क्या है मालूम है? हाँ आद्या, यही वाला तो भोगो हमारे पास है। नहीं सारे डॉगी है, वही डॉगी हमारे पास है। सुची स्टार्ट। सो गाइस फाइनली यहाँ देख सकते हैं, दो बैग मेरी शॉपिंग हो चुकी है, और इसमें ज़्यादातर सारी मेरी ही है। लड्डू का शायद कुछ है, क्या है कुछ है? लड्डू का सिर्फ सॉक्स है, सॉक्स है, आद्या का भी सॉक्स है, और लड्डू के पापा का कुछ भी नहीं है, एक ट्राउज़र उठाया वो भी नहीं है, और बाकी सारा का सारा मेरा है। कितने का बिल बना है ना गाइस, ये मैं चाहती तो मैं अपने मतलब आसपास भी ले सकती थी, लोकल मार्केट से या फिर जो भी, बट मुझे वो सूटेबल नहीं हो रहा है कुछ टाइम से। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि आसपास वाला ज़्यादा दिन चल नहीं रहा है, और जो भी मैंने कोयम्बटूर की चीज़ें खरीदी थी वो अभी तक चल रही हैं अगर, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे जगह से लो जो थोड़ा अच्छा हो और चले, तो और डेली टाइप पहनने वाला लिया है तो इसीलिए। और एक जीन्स लिया है वाइट कलर का, वो क्या क्या लिया है वो घर जाके आपके साथ शेयर कर देंगे, जब जब पहनेंगे आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी डिनर करेंगे, बिकॉज भूख लगी है बहुत बिजोड़, और उसके बाद से घर पे जाएंगे, दूध वगैरह भी बॉयल करेंगे, उसके बाद से कल से बैक टू द रूटीन। लड्डू का कल छुट्टी है, लेकिन हम लोगों का खाना पीना तो सब हो ही जाएगा, है ना? मेरा ऑफिस है, चलो बाय। इनका ऑफिस है, ये पूरा थक गए हैं, बाबू को हाथ में उठा उठा मेरा हाथ। जब हम आधा दूर यहाँ पे देखिए, अब शर्ट का कलेक्शन दिखता है, बाद में लेंगे।
जब हम क्या बोल रहे थे यार, भूल गए। हाँ, जब हम गाड़ी में निकल गए हैं तब हमें याद आया कि यार हम प्रैम रख सकते थे आद्या के लिए। बट मैं ट्रेन आला। लड्डू, तुम्हारी मैम मिली थी यहाँ पे, टीचर मिली थी। टाइम क्या हो रहा है? हम लोगों को नीचे उतरना है ना, इधर से एक्सेलरेटर। बाय लड्डू। सो गाइस, यहाँ मैं बैठ गई थी ट्रेन में आद्या के साथ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ऐसे कि मतलब मम्मी भी साथ में बैठ गई। तो मतलब मैं वैसे ही लेके ही बैठना पड़ता है, ऐसे तो बैठ भी नहीं सकती। यहाँ लड्डू देख रहा था कि पापा वीडियो बना रहे हैं, तो लड्डू का ध्यान थोड़ा सा वीडियो की तरफ भी था। और पीछे से बर्तन की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और खाना निकाल रही हूँ। वैसे आप लोगों ने अपने लिए लंच में क्या बनाया? और यहाँ पे मैं ट्रेन पे बैठाई थी तो मुझे खुद भी इतनी खुशी होती है कि आद्या इतनी खुश हो जाती है। बाकी आप लोगों को अभी भी किस किस को ऐसे टॉय ट्रेन वगैरह में बैठना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ हम लोग आ गए हैं बिरयानीज में, पता नहीं नॉर्थ टाइप का मतलब। गाइस, अभी हम जिम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं फटाफट से। खिचड़ी चढ़ा हुआ है आज पे। आद्या, आद्या जी, और हम morning, और मेरी एक और भाभी हैं, वो जा रहे हैं। तो लेडीज वेन जा रहे हैं आजकल जिम, देखते हैं जेंट्स लोग का इंस्पायर हो रहे हैं। तो जिम के लिए पहले पहन लिए हैं ये टी शर्ट और ये एक पैंट जो कि हम कल ही लेके आए हैं। यार ये कैंची से काटना पड़ेगा। हाँ। लेकिन गाइस, हम बहुत लेट हो गए, बहुत नहीं 5 मिनट लेट हो गए। चलिए, इतना दिन बाद जूता पहने ना कि पहन के अजीब लग रहा। आके प्लेन बिछुआ पहनेंगे। आद्या, आद्या, पापा आद्या जी को संभालेंगे क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ही उठ रही। अब लगता है इसका यही रूटीन है। साइड में कोई मिलता नहीं है ना, सनस्क्रीन है भाई। कोई कुछ बोले मत, कीजिए जल्दी। तुम मारी क्यों भैया को? चटक पटक। चलिए बोतल में पानी ले लेना। हाँ, हो गया। प्राची पहले बोतल में पानी ले लेना। ऐसे में लेके जाओ, ये वाला सही है। गाइस, इधर मेरा खिचड़ी बन रहा है एंड ये पानी हम भर पानी है
मेरा लंच यहाँ पैक हो गया है, रोटी सब्जी दाल चावल चावल है, चावल है, तो सब्जी है आलू सोयाबीन का, और यहाँ पे रोटी है नॉर्मल घर में खाने वाला, ये है आपके टिफिन का। बिछु थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है यार, क्या कर रहे हैं इसको, आपको टाइम नहीं है, जल्दी निकलिए, कोई बात नहीं है। चलिए मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, अलमीरा खुला उसको बंद कर लीजिएगा। सो गाइज मैं ऑलरेडी पूरा तैयार हो चुकी हूँ, खिचड़ी पीछे से बज रहा है और मेरा लुक कुछ ऐसा है, भाभी मेरी बाहर ही टहल रही हैं, तो चलते हैं फटाफट से, पता नहीं कितना क्या करेंगे तो फिट हो जाएंगे, अभी पहला मंथ स्टार्ट है। चलो पेमेंट तो इससे ही हो जाएगा, फ़ोन से ही, चलो चलो फ़ोन करो उनको। तो गाइस हम स्कूटी से जाएंगे और हम भाभी को भी पीछे बैठाएंगे, मम्मी को तो बैठा के चलाए हैं तो भाभी को भी चला ही लेंगे, बाकी पता नहीं, थके मत, बस थकेंगे तभी तो पतले होंगे ना, पतले नहीं होना है हमको, मेंटेन करना। तो गाइस फाइनली जिम कर लिए, पसीना बहुत थोड़ा थोड़ा आया लेकिन आ गया है, हालत ख़राब हो गया था हम लोग का तो फिलहाल जिम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैं नहा धो करके एकदम रेडी होकर के बैठ गई, रेडी तो क्या हुई हूँ, बस आईब्रोज फिलअप कर लिया है, बाकी नॉर्मली मेरे पैर से ना चलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, और सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा सिम्टम है अगर पैर में थोड़ा भी वो हो रहा है ना, आप दोनों तरफ से लॉक कर दे रहे हो तो फिर यही होगा। देखिए बाहर स्विगी वाले भैया आए हैं क्या, और हमारे यहाँ पे रोड बनना स्टार्ट हो रहा है, स्विगी 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 बोलते रहो। लड्डू यहाँ रेडी हो रहा है स्विगी का सामान लेके आने के लिए, बाल वाल कोम नहीं किए, बोलो तो बाहर से भैया, स्विगी भैया बोलो, स्विगी स्विगी स्विगी, ये अंकल हैं क्या, हाँ अंकल हैं स्विगी, उठा लोगे, हैवी होगा, हाँ। यमी है, यमी यमी, खुजली कर रहे हो, हाँ सुचिता न्यूट्रेला है, न्यूट्रेला नहीं है ट्रेन है, आराम से, शीशा है क्या है, ट्रेन नहीं, नहीं है, ये क्या है, ये भी ट्रेन नहीं, आ जाओ आ जाओ मम्मा दिखाती है। सो गाइस लड्डू तो बोल रहा है कि न्यूट्रेला है, बट देखते हैं क्या है, पकड़ो, बंद ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ दोनों की फिर से लड़ाई स्टार्ट, भाई सोफा तो दिन भर में 10 बार सेट करो, क्या हो गया ये आपको, इसमें देखेंगे क्या है, पहले वो फ्लावर उठाओ बेटा, फ्लावर उठाओ, तो पहले तो मैड एंगल्स दिख रहा है, ओपन कैन यू ओपन, वो ड्रेस कैसे गिर गया है बाबू का, आद्या का ड्रेस उठाओ बेटा, वो उठा दो ड्रेस, ओपन, ये बहुत सही, वाओ बिंगो वाले चिप, वाओ, और फिर आया है मिल्क, नो नहीं फाड़ना है, दूध है दूध दूध, अरे फाड़ना नहीं है बेटा, इसके अंदर क्या है, क्या है, दिस इज माय फेवरेट, वाओ बिग वाला न्यूटेला, ये दूध पकड़ी है, इनको दूध पीना है, हाँ शुक्रिया मम्मी, शुक्रिया, दो मम्मा को दो, देगी न्यूटेला, डू यू लाइक न्यूटेला, यस किसी,
वन मोर किस। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बी टू। थैंक यू। तुमको पता है कर लीजिए। न्यूट्रेला खाओगे या फिर बिंगो खाओगे? अब मैं न्यूट्रेला खाओगे। न्यूट्रेला खाओगे? ये भी बिंगो पे डॉगी। तुम जी पैकेट से दूध पी रही है। पैकेट से दूध पी रही है लेकिन ऐसे दूध नहीं पीती हैं ये है। चलो 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 अभी सैंडविच बनाएंगे। चॉकलेट सैंडविच। हाँ चलो।